हमारे साथ रहे तो क्या बुरा है। एक प्रश्न आया आज राजस्थान से, पितर हमारे साथ रहे तो क्या बुरा है, हम उनकी पूजा अर्चना तो करते ही करते हैं। तो महाराज इस प्रश्न का अब उत्तर सुनिए, पितर आपके साथ कभी नहीं रहने चाहिए, शास्त्र कहता है। और दूसरी बात, पितरों से कभी कोई डिमांड नहीं करनी चाहिए। गीता कहती यान्ति देवता भूतानि, अर्थात जो लोग भी पितरों से, प्रेतों से, इन सब की पूजा सकाम भाव से जो भी कोई करता है, देखो एक तो ये हो गया, आपने उनको, पितर आपके आए हैं, आपने उनको सुंदर फल दिए, वस्त्र दिए, आपको सिर्फ यही करना है, आपको कोई डिमांड नहीं करनी, हमें ये दे जाओ। भगवान कह रहे हैं गीता में, पितरों की, भूतों की, प्रेतों की, समाधियों की, चबूतरों की, अगर आप सकाम भाव से पूजा करेंगे तो आप इसी योनि में रहेंगे, इस योनि से बाहर नहीं जा पाएंगे। भगवान कह रहे हैं पितरों को प्रसन्न कीजिए, ये प्रसन्न करने के 15 दिन हैं, हाथ फैलाने के लिए नहीं है, बांटने के लिए 15 दिन है, दान पुण्य धर्म कर्म करने के 15 दिन है, ये कुछ लेने के नहीं है, ये कुछ देने के 15 दिन है, 16 दिन आप इन दिनों को साध कर अपने जीवन में आप देखिए। आप श्राद्ध कर्म, फिर मैं कहूंगा श्राद्ध इति श्रद्धा, अगर आप में श्रद्धा नहीं है तो आपका श्राद्ध पूर्ण नहीं है, और उसी श्राद्ध श्रद्धा पूर्वक अगर किया जाए उसी श्राद्ध को, तो वही श्राद्ध आपके जीवन में मंगल मेले लगा सकता है। मंगल मेले क्यों? क्योंकि आपके सबसे निकटतम अगर कोई ऊर्जा है तो वह आपका गुरु तत्व या आपका पितृ तत्व, सबसे नियरर, सबसे करीब, आपके लिए सदैव कुछ करना चाहता है, सदैव आपको, आपके लिए बेस्ट टू बेस्ट देना चाहता है, और वही आनंद है।